उथला पानी, बारीक रेतीले तट और खिली हुई धूप स्पेन के भूमध्य सागर तट पर स्थित मार मेनोर यूरोप में खारे पानी का सबसे बड़ा लगून है। ये छुट्टियों की जन्नत तो है ही और इसका इकोसिस्टम भी अनोखा है। संरक्षण के बावजूद ये जलाशय तेजी से मौत का डेरा बनता जा रहा है। पिछले साल गर्मियों में हजारों की संख्या में मरी हुई मछलियां, कैकड़े और दूसरे समुद्री जीव तट पर आ पहुंचे और ऐसा दोबारा होता दिख रहा है। स्पेन में लोग भय है और बड़ा सवाल है, मार मेनोर लगून क्यों मर रहा है? पेट्रो लिंगन ने शुरू से देखा है। हमें हर सुबह तट पर सैकड़ों मछलियाँ इस तरह उल्टी इतराती हुई मिलती थी, बड़ा ही घिनौना और भयानक दृश्य था। इकोसिस्टम की ऐसी हालत देखकर रोना आता था। हम लोग मार मेनोर की ओर निकले हैं। ये लगून भूमध्य सागर से अलग है, उसमें खारा पानी ज्यादा है और वो अपना बायोटॉप खुद बनाता है। लियोंगो को उस चीज की तलाश है जिसे स्थानीय लोग सोपा वर्डे यानी हरा सूप कहते हैं। हरा सूप यानी पानी में बेतहाशा काय का उगना। ज्यादा काय का मतलब है पानी में कम ऑक्सीजन। इससे गर्मियों में समुद्री जीवों की दम घुटने का खतरा ज्यादा होता है। बड़ी समस्या उन खादों से है जो मान मेनोर में बहकर आते हैं। वो इकोसिस्टम को खत्म कर रहे हैं। हमें तत्काल रूप से इस समस्या को हल करना होगा और इसका इकलौता तरीका है कृषि में सुधार। मार मेनोर लगून के इर्द गिर्द फल और सब्जियों कीमत वाला उद्योग है। मुर्सिया में खेती एक विशाल बड़े उत्पादन वाला उद्यम है। इलाके का ये सबसे बड़ा आर्थिक सेक्टर है। आलोचक कहते हैं कि इसी के वजह से लगून में मौतें हो रही है, लेकिन कृषि व्यापार सेक्टर जिम्मेदारियों से बच रहा है। रिहायशी इलाके अपना बेकार पानी मार मेनोर में डाल देते हैं। मैं दावे से कह सकती हूँ कि हमारी खेती जैसी कि वो अभी है, किसी भी चीज को प्रदूषित नहीं करती है। हर चीज ठीक ठीक मापी जाती है ताकि पानी प्रदूषित ना हो। लेकिन इस अत्यधिक सूखे इलाके में हकीकत अक्सर काफी अलग दिखती है। एक फार्म पर परे छापे से खारे पानी को साफ करने वाले एक गैर कानूनी प्लांट का पता चला। ये चीज असामान्य नहीं है, पानी सिंचाई के काम आता है, लेकिन उससे निकले विषैले तत्व मार मेनोर में फेंक दिए जाते हैं। इसके अलावा हजारों गैर कानूनी गहरे कुएं करीब 8000 हेक्टेयर कृषि जमीन को सींचने के काम आते हैं। सरकारी अभियोजन कार्यालय 40 कंपनियों और व्यक्तियों की जाँच कर रहा है, लेकिन पर्यावरणविद पैतो कहते हैं कि अधिकारी और नेतागण लंबे समय से अनदेखा करते आए हैं। जैसा कि सालों से ये बात मालूम है कि लाखों टन नाइट्रेट इस नहर के जरिए सीधे मार मेनोर लगून में बह जाता है। यहाँ का कृषि उद्योग पर्यावरण के नतीजे की परवाह नहीं करता, उसका ध्यान बस ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना है। वो कचरे की जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेता है। मार मेनोर लगून को वो सीवर समझ बैठे हैं। यूरोप भर में बड़ी सुपरमार्केट कंपनियां उर्सिया इलाके से फल और सब्जियां खरीदती है। क्या वो पर्यावरण की आड़ में अपना धंधा चमका रही है? एक लिखित बयान में जर्मन सुपरमार्केट कंपनी आल्डी ने कहा कि तमाम स्पेनिश सप्लायरों को उच्च मानकों का पालन करना होता है। कभी कभार चेकिंग भी होती है, लेकिन देश का अपना कानून ढांचा भी तो है। लेकिन कृषि जायंकार रामनोविए इससे सहमत नहीं है। वो कहते हैं कि उर्सियों की फार्मिंग लॉ भी इतनी ताकतवर है कि उसे न पुलिस का डर है और न प्रशासन का। बाजार पर बड़ी धाते कंपनियों का कब्जा है 95% से ज्यादा, लेकिन वो फूटी कौड़ी नहीं निकालती। हर चीज सस्ती से सस्ती हासिल करने की फिराक में रहती है, अक्सर किसानों का भुगतान नहीं करती। किसानों का माल खराब हो जाता है, उसे ठीक करना उनके बस में नहीं। फिर एक ही चीज बसती है, सस्ते में निकाल दो। मार मेनोर शायद इसी बिजनेस मॉडल का शिकार है। गर्मियों में काय को तथ्यों से हटाने के लिए सफाई कर्मी लगाए जाते हैं, लेकिन पर्यावरणवादियों का कहना है कि ये तो बस दिखावा होता है। पेट्रोलिंगों को डर है कि मार मेनोर लगून इतने बुरे हाल में है कि जल्द ही बचाने लायक भी नहीं रहेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, और आपका इस बात के ऊपर क्या राय है हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।